हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं आने वाले सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैबोन, सेनेगल, कतर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? क्या ये राजनाथ सिंह हैं, एम वेंकैया नायडू हैं, अनुराग ठाकुर हैं या रामनाथ कोविंद? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वेंकैया नायडू गए हुए थे। देखिए, क्वेश्चन आएंगे, भले ही अभी एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति नहीं हैं और प्रेसिडेंट का भी जो रामनाथ कोविंद है उन्हें भी जो है हटना पड़ा है, क्योंकि नए प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये रहा। पीएम ने इनॉग्रेट किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको बस ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई है, 8 जून, 3 जून, 9 जून या 16 जून को? तो देखिए, यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे, ये 75 सिटीज़ में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा और आइकॉनिक वीक रहने वाला है फाइनेंशियल और कॉरपोरेशन अफेयर्स के मिनिस्टर के लिए, और ये स्टार्ट होगा, यहाँ से देख सकते हो आप, 6 जून को। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6 जून को इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। राज्यसभा के सभापति, देखिए, जो सब राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक जी के आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अब आपको बस ये बताना है कि इन्होंने नए मेंबर्स को राज्यसभा के लिए, कितने नए मेंबर को जो है शपथ दिलाई है, ऑथ दिलाई है, 4, 9, 2 या 5? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, तेलंगाना और बिहार के मेंबर्स को इन्होंने जो है शपथ दिलाई है। 2 न्यूली मेंबर्स जो हैं ये आपको दिखेंगे कहाँ से, तेलंगाना से, और 2 दिखेंगे आपको बिहार से, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है, देखिए, श्रीलंका बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहा है, यहाँ ये जो है यहाँ पे सिविल वॉर भी हो सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए लोग जो है परेशान है, दाने दाने को मोहताज है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने अमेरिकी डॉलर की मदद के लिए जो है आगे आया है, ये 200 मिलियन डॉलर, 900 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर या 700 मिलियन डॉलर? तो यहाँ से आप देख पाओगे 700 मिलियन डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक श्रीलंका को देगा, ताकि वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी आ पाए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। हाउ मेनी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज रिजेक्ट चाइनाज रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट? तो देखिए, कौन से जो देश हैं जिन्होंने चाइना के क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते को अस्वीकार कर दिया है, जो इसे डिक्लाइन कर दिया है? तो राइट आंसर होगा आपको, 10 कंट्रीज ने इसे डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चाइना बहुत ही ट्रिकी प्लॉय, एक इंग्लिश में वर्ड है ना, PLOY, प्लॉय, प्लॉय मतलब होता है तिगड़मबाजी करके आगे बढ़ने वाला, तो चाइना बिल्कुल प्लॉय कंट्री है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी सूचना दे दूं। अगर आप AEES की तैयारी कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन की, या फिर नवोदय विद्यालय संगठन की, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 100 रुपीज में परचेज कर सकते हो, 200 क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अगर आप नोट्स के लिए जाना चाहते हो AEES के लिए या फिर नवोदय विद्यालय के लिए, तो आपको ये नोट्स पड़ जाएगा 499 में, नोट्स ले सकते हो, बहुत ही मेहनत करके नोट्स बनाई गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बता दूं, अगर किसी को नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ईमेल आईडी देख लो मेरी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। किस देश ने प्राचीन कब्रिस्तान में 2500 साल पर पुराने जो ताबूतों को कांसे की मूर्तियों का अनावरण किया है, ये क्या चाइना है, मिस्र है, नाइजर है या है ये मंगोलिया? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इजिप्ट ने जो है अनकवर 2500 पुराने जो कैफिन है उसे जो है लोगों के लिए खोल दिया, यहाँ से आप चीज़ों को देख पाओगे। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट, हिंदी में मिस्र कहते हैं इस देश को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। यूरोपीय संघ के नेता डैश के साथ समझौता करने के बाद रूसी तेल प्रतिबंध के लिए सहमत हैं, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी या नॉर्वे? तो देखिए, यूरोपीय संघ के नेता किसके साथ इन्होंने जो है मीटिंग करी है और सब कुछ एग्री हो गया है? तो देखिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, यूरोपियन यूनियन लीडर हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू कट 90% ऑफ ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये देखिए,
एक्चुअली ये यहाँ से आप देख पाओगे इनकी इमेज और ये किसने किया है, तो यहाँ से आपको देख पाओगे आप कंट्री का नाम है हंगरी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हंगरी ने जो है समझौता कर लिया है ईयू के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, वो क्या विवियन रिचर्ड है, एस चंद्र पॉल है, क्रिस गेल है या है डेरन समी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डेरन समी को जो है सितारे पाकिस्तान अवार्ड मिलने वाला है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस केंद्रीय मंत्री ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की सराहना की है, तो यह है हमारे राज्य के सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा नहीं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली ये अगला क्वेश्चन है नहीं, आगे भी क्वेश्चंस आपको वीडियो पे मिलते रहेंगे चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।